गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन मैथमेटिक क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियोस में मैंने कुछ प्रश्न दिए थे आपको और कहा था इनका हल निकाल करके, आंसर निकाल करके आप कमेंट करेंगे, तो उसके आंसर मैं बता रहा हूं। देखिए, लगभग विद्यार्थियों के आंसर सही हैं। देखो, वीडियो नंबर जो हमारा 8 था, उसमें जो प्रश्न दिया था लॉग ई बेस लॉग एक्स का, उसका आंसर आएगा बी, ठीक है। और जो हमारा वीडियो नंबर 9 है, उसमें जो प्रश्न दिया गया था लॉग ई बेस sec x प्लस टेन एक्स, कल एक विद्यार्थी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा भी था जिसका नाम है योगेंद्र फुलवारिया। उसने मेरे से इस क्वेश्चन पूछा था कि सर बताइए इसको कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए, लोग ई पे sec x प्लस टेन एक्स का अवकलन आप करेंगे, पहले लोग का होगा तो 1 अपॉन में x, यानी 1 अपॉन में sec x प्लस टेन एक्स। फिर लोग के अंदर गए, sec x का करेंगे, देखो बेटा sec x का क्या हो जाएगा, sec x इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का हो जाएगा sec स्क्वायर x। देखिए, अभी हमने मैथ का टेस्ट लिया था, कुछ विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी अपनी, जिन्होंने टेस्ट दिया ही नहीं, हमारे पास कॉपी भी नहीं पहुंची, उनके कमेंट्स भी नहीं आ रहे, तो बेटा थोड़ा सा खुद अकेले बैठ के सोच के देखिए, जब हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्या आपके पास 2 मिनट नहीं है। हर काम यदि हमने आपको फोन कर करके घर पे आपके करवाया तो उस ऐसे काम से क्या मतलब, बताइए जरा आप। हम लोग डेली आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, वीडियोस बना करके आप तक उनको पहुंचाते हैं, पेपर लिख करके आप तक पहुंचाते हैं, फिर उसका टेस्ट लेना हमारे पास, देखो हम कितना कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो कर रहे हैं। वरना तो बेटा स्कूल में छुट्टियां ही चल रही हैं, और आप लोगों को तो बेटा शर्म आनी चाहिए कि आपको अगर ये काम कहा जाए और आप उस काम को नहीं कर रहे हैं, और हर बार हमें फोन करके आपको कहना पड़ रहा है। स्कूल के किसी भी टीचर से पूछ लो, बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स वालों से परेशान है। स्पेशली मेरा मैसेज है अपने सरस्वती स्कूल के बच्चों के लिए, ठीक है, जो इन वीडियोस के ऊपर कमेंट नहीं कर रहे हैं, आपकी छोटी छोटी गतिविधियों के लिए हमें फोन करना पड़ रहा है, जब हम लोग इतने बिजी होने के बावजूद भी इतनी टेंशन ले रहे हैं आपकी, तो आपका भी तो थोड़ा सा फर्ज बनता है, थोड़ा सोचिए आप। वरना कोई दिक्कत नहीं है बेटा, देखो स्कूल तो देखो खुलेंगे ही अपने, फिर दोबारा मिलेंगे, ठीक है, मिलेंगे तो फिर सारे गिला सिकवा जो भी आपके साथ है हमारे दूर करेंगे। चलिए, तो sec x प्लस टेन एक्स, sec x प्लस टेन एक्स कैंसिल, रिमेनिंग आउट क्या है बोलो, sec x, तो उसका आंसर आएगा डी ऑप्शन sec x। चलिए, अब हम बात करते हैं, चलिए तो 7.2 चल रही थी उसके प्रश्नों की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम पहुंच गए थे, तो हमारा प्रश्न है कि y बराबर आपको फलन दिया गया यहां कि sec इनवर्स 1/2x²-1, कैसे करेंगे इस सवाल को बताइए आप। तो आप कहेंगे कि सर देखिए, क्या मैं इसका रेसिप्रोकल कर सकता हूं, गैस कैसे रेसिप्रोकल करूंगा तो cos इनवर्स क्या, सॉरी sec इनवर्स क्या बन जाएगा, cos इनवर्स। अब आप कहेंगे सर माना वैसे तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है ना, इसको आप कह सकते हैं 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला ही है, बाकी आप कहो तो मैं आपको प्रतिस्थापित करके दिखाता हूं, x इज इक्वल टू cos थीटा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x, तो y इज इक्वल cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो बन गया ना फॉर्मूला cos 2 थीटा का, ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, और cos इनवर्स से cos कैंसिल, रिमेनिंग आउट 2 थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा cos इनवर्स x, नाउ डिफरेंशिएट dy अपॉन में dx, और देखिए मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसने सब कुछ आपको एक बार पढ़ा दिया क्लासरूम में, ऑफलाइन स्टडी में, उसके बाद भी मैं आप लोगों को फिर दोबारा से मेहनत करवा रहा हूं। देखिए
आज आपके पास समय है, अगर आप कमजोर हैं तो इन वीडियोस को बार बार, पहले तो आपके पास बहाना था कि सर हमें टाइम नहीं मिलता, हमने सुना नहीं, हमारे समझ में नहीं आता। बेटा आप सारा कंट्रोल आपके हाथ में है, एक वीडियो को आप 10 बार देख सकते हैं, देखो और अपना नॉलेज बढ़ाओ, अब ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। और जिस दिन स्कूल लगेंगे इतनी स्पीड के साथ वापस स्टडी स्टार्ट होगी, सभी स्कूल वाले इतनी स्पीड के साथ चलेंगे क्योंकि सिलेबस वही है, एग्जाम्स का टाइम वही है, सब कुछ वही है। नुकसान सिर्फ आपका है, नुकसान सिर्फ आपका है। अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो बेटा लास्ट में नुकसान आप ही का है। ठीक है, छोटे भाई बहनों की तरह मानकर आपको मैं आपको ये बात समझा रहा हूं, मेरी बात समझो आप। दोबारा मैं आशा करता हूं कि कल से मुझे आप इस शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कि आप हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे। ठीक है, चलिए वापस आइए। तो आप कहेंगे सर कोस इनवर्स का अवकलन कर दिया, -2/√1 − x²। ये देखो आंसर आ गया, ये फोर्थ का ए पार्ट था। अब चलिए फोर्थ के बी पार्ट पर। फोर्थ का बी पार्ट मुझे बताने की ही आवश्यकता नहीं है, स्टार्टिंग में जो एग्जांपल्स करवाए थे ना उन एग्जांपल्स में देखिएगा ये करवाया हुआ है। माना x बराबर क्या ले लीजिए, tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, y इज इक्वल cos इनवर्स 1 − tan²θ अपॉन में 1 + tan²θ एंड y इज इक्वल cos inverse cos 2θ एंड y इज इक्वल 2θ। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, tan inverse x, नाउ डिफ्रेंशिएट dy अपॉन में dx इज इक्वल 2 × में, तो जी आंसर आ गया। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सॉरी ए पार्ट। क्या है देखो, आपको गिवन है कि साइन इनवर्स 1 + x²/(1 − x²) + cos inverse 1 + x²/(1 − x²). तो आप मुझे एक चीज बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, π/2। अगर मैं यहां एक्स की जगह पर वाई वाई कर दूं तो भी वैल्यू कितनी होगी, π/2। अगर मैं इस वाई की जगह पर जेड जेड कर दूं तो भी वैल्यू कितनी होगी, π/2। अगर मैं यहां पर 1 + x²/(1 − x²) कर दूं, देखो इस चीज को मैं लिख दूं जेड की जगह पर तो भी वैल्यू कितनी होगी, π/2। अरे यार ये एक्स ही तो है, एक्स की जगह पर आ गया 1 + x²/(1 − x²). तो आप कहोगे सर साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स का योग, टोटल योग जब दोनों के पास एक्स क्या हो, बराबर हो, तो कितना होता है, π/2, जो कि एक अचर राशि है। और एक अचर राशि का जब भी आप अवकलन करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या था आपका, 5th का ए पार्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट की बात करते हैं हम। बेटा देखो, y इज इक्वल कोस इनवर्स 2x + cos inverse √1 − 4x², राइट। तो आप कहोगे सर y इज इक्वल को, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप यहां लिखिए सर, मान लीजिए cos इनवर्स 2x को थीटा मान लिया, नाउ cos थीटा इज इक्वल 2x। तो आप कहेंगे सर y इज इक्वल टू, मैंने थीटा लेट किया, ये 2, ये cos इनवर्स, यहां अंडर रूट में क्या बन जाएगा, 1 माइनस। बेटा इस 4x² को आप लिख सकते हैं ना 2x का होल स्क्वायर, और 2x का वैल्यू कितना है, cos थीटा। कोस स्क्वायर थीटा 1 − cos²θ कितना होता है बताइए, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट रिमूव हो गया, क्या आ गया,
साइन थीटा अब आप कहोगे सर ये कैंसिल कैसे होगा, बेटा कैंसिल होगा ये देखिए थीटा प्लस टू कोस इनवर्स, क्या आप साइन थीटा को लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा, बोलिए लिख सकते हैं ना, कोस इनवर्स से कोस कट गया, थीटा प्लस टू इंटू में पाई बाय टू माइनस थीटा, टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखो पाई माइनस कितना आ जाएगा टू थीटा, वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई माइनस थीटा, पुट दी वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू क्या थी कोस इनवर्स, नाउ डिफरेंशिएट डीवाई अपॉन में डीएक्स, पाई का जीरो हो गया माइनस, अब कोस इनवर्स का करेंगे तो ऑलरेडी माइनस का होता है अवकलन तो प्लस हो गया, अवकलन किया माइनस एक बटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर कोस इनवर्स के अंदर गए टू एक्स का टू, तो कितना आ जाएगा टू अपॉन में अंडर रूट है, बेटा इस तरह से इसका फिफ्थ का बी पार्ट हो गया। चलिए इसी प्रकार हम चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स का ए पार्ट, ठीक है, तो y इज इक्वल टेन इनवर्स a प्लस एक्स बटा में वन माइनस ए एक्स, ठीक है, तो देखिए अब आपने बेटा फॉर्मूला पढ़ा होगा कि टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई, पढ़ा है ना आपने, किसका फॉर्मूला है ये टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला है ना, तो देखो ये टेन इनवर्स x प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई का रूप जब भी आ जाए तो आप इसको इस प्रकार लिखेंगे, तो ये आपका x और ये आपका y है, तो x प्लस वाई बटा में वन माइनस एक्स वाई, तो आप कहेंगे सर हम इसको लिखेंगे टेन इनवर्स x, x की जगह पर a आ गया और y की जगह पर x आ गया, नाउ डिफरेंशिएट डी वाई अपॉन में डी एक्स, टेन इनवर्स a का कितना हो गया जीरो, टेन इनवर्स x का कितना हो जाएगा वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, नाउ डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, चलिए क्लियर। चलिए अब आते हैं हम बहुत बढ़िया क्वेश्चन सिक्स का बी पार्ट, देखिए क्या है, वाई इज इक्वल टेन इनवर्स टू की पावर एक्स प्लस वन अपॉन में वन माइनस पावर ऑफ फोर इज एक्स, ठीक है, तो अब ये देखिए आप ये है टेन इनवर्स टू की पावर एक्स, सुनो टू की पावर एक्स प्लस वन है, मैं इसको लिख सकता हूं टू इंटू टू की पावर एक्स, अरे यार एक और एक्स पावर को अलग अलग कर दिया ना, और फोर की पावर एक्स को मैं लिख सकता हूं टू की पावर एक्स का होल स्क्वायर, अब आप कहोगे सर वाई, तो देखिए ये फोर की पावर एक्स है, अब फोर को आपने लिखा टू की पावर टू, ऊपर पावर एक्स है, जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर आपस में एक्सचेंज हो सकती है ना, इसको मैं यू भी तो लिख सकता हूं, देखो एक ही बात है तो लिख दिया, तो देखो माना अब आप एक्स के स्थान पर टेन थीटा मानिए, सॉरी टू एक्स की जगह पर, और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स टू की पावर एक्स, तो देखिए वाई बराबर क्या बन जाएगा टेन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो वाई इज इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका है टेन टू थीटा का, टेन इनवर्स से टेन चला गया टू थीटा, पुट दी वैल्यू ऑफ थीटा टेन इनवर्स टू की पावर एक्स, नाउ डिफरेंशिएट, चलो मैं डिफरेंशिएट यहां कर रहा हूं इसको, देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल, देखो टू तो कांस्टेंट है टेन इनवर्स का किया वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स के अंदर गए टू की पावर एक्स का किया टू की पावर एक्स इंटू लोग ई बेस ए, ए का है टू, फिर टू की पावर में गए एक्स का किया कितना हो गया वन, अब देखिए अब इसको लिखा जाएगा टू इंटू टू की पावर एक्स अपॉन में बेटा टू एक्स का पावर का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर क्या लिखूंगा मैं वापिस 4 की पावर x इंटू में लोग e बेस 2, अब आप कहेंगे कि सर
डी वाई अपॉन में डी एक्स, देखो 2 की पावर 1 और 2 की पावर x वापस जुड़ जाएगी, 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 4 की पावर x इंटू लोग e बेस 2, दैट्स फाइनल आंसर। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। चलिए तो अब हम करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पर, इसको क्लियर कर दें। चलिए अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है वाई इज इक्वल साइन 2 टेन इन वर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। देखो कैसे करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक्स की जगह पर कोस थीटा लेना है। मैं पहले ही बता चुका हूं जब भी 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स आए क्या लेना है आपको, आपको कोस थीटा लेना है। वाई इज इक्वल कितना हो जाएगा, साइन 2 टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा। बेटा जहां एक्स था वहां कोस थीटा आ गया। y इज इक्वल साइन 2 टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा वाई 2 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा वाई 2, 2 से 2 कैंसिल, y इज इक्वल साइन 2 टेन इनवर्स, बेटा साइन स्क्वायर बटा में कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर वर्गमूल क्या कितना हो जाएगा, टेन थीटा वाई 2, ठीक है। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, y इज इक्वल साइन, आप कहोगे सर 2 इंटू में थीटा अपॉन में 2 कैंसिल, y इज इक्वल हो जाएगा आपके पास में ये साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास में जो प्रतिस्थापन था वो कोस के पदों में था, तो साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, पुट दी वैल्यू ऑफ एक्स, दीजिए नाउ डिफरेंशिएट डीवाई अपॉन में डी एक्स, पहले अंडर रूट का होगा 1 बटा में 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर जाएंगे 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x। अब आप कहेंगे सर आ जाएगा माइनस 2x अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब इस 2 से 2 कैंसिल, ये फाइनल आंसर है आपका। चलिए इसी प्रकार हम देखेंगे सातवें का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट कि वाई इज इक्वल कोट इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इस क्वेश्चन को देखो, बुक्स में आपके पास में लिखा हुआ है कि एक्स बराबर टेन थीटा लें, पर मैं आपको करवा रहा हूं कोट थीटा से, अपनी बुक में भी लिख लीजिएगा आप कीजिएगा इस सवाल को, आप कोट थीटा से कीजिए आसान होगा। अगर आप टेन थीटा से करना चाहते हैं तो करके देखिएगा और उसको कोट से कंपेयर कीजिएगा, देखिएगा किससे आसान रहता है। तो कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा, तो वाई इज इक्वल कोट इनवर्स ये कितना है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। नाउ वाई इज इक्वल कोट इनवर्स 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। चलिए फिर वाई इज इक्वल कोट इनवर्स कितना हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। फिर आप कहेंगे सर y इज इक्वल कोट इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 अपॉन में 2 साइन थीटा वाई 2 इंटू कोस थीटा वाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 पावर कोस की कैंसिल, कोस बटा में साइन हो जाएगा कोट, क्यों भाई हो जाएगा कोट थीटा वाई 2। अब कोट इनवर्स से काटेगा मत इसको, कोट इनवर्स से कोट चला जाएगा, वाई इज इक्वल टू आ जाएगा थीटा अपॉन टू, पुट दी वैल्यू ऑफ थीटा, व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, कोट इनवर्स एक्स। नाउ डिफरेंशिएट डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल 1 अपॉन में 2 इंटू, दैट्स फाइनल आंसर, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।